हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको तुलसीदास जी का ऐसा जीवन परिचय बताने वाला हूँ कि इसे आप अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो पूरा जीवन परिचय आपके दिमाग में छप जाएगा। और बहुत ही सिंपल जीवन परिचय है दोस्तों, और ऐसा एग्जाम में लिखने पर आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा जीवन परिचय आपको अच्छे से दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में इसी तरीके से हाईलाइटेड करके लिखना है। वहाँ पर लाल स्केच का यूज नहीं करना है, वहां पर आप काला स्केच यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कैसे लिखना है देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब देखिए, यहां पर कई स्टूडेंट को डाउट उत्पन्न हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि जो वो क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो पुराने समय की छपी हुई हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या दिया गया है कि भैया गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो था वो बांदा जिला दिया गया है उसमें, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। पहले जो है राजापुर जो है बांदा जिले में लगता था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, ये चित्रकूट जिले में लगने लगा। तो नई पब्लिकेशन की बुक में चित्रकूट जिला दिया गया है, पुरानी बुक में बांदा जिला दिया गया है। तो चाहे जो भी लिखो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप चित्रकूट लिखते हैं तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। ओके, आगे देखिए, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जन्म स्थान जो दिया गया है, जन्म सन जो है, कई बुक्स में संवत में दिया गया है, तो संवत और ईस्वी अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखिए, इनके बचपन का नाम राम बोला था, जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते थे, यानी 5 साल के बच्चे मालूम होते थे जब इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस समझ कर त्याग दिया था, ठीक है ना। इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। अब देखिए, यहाँ पर मैं बीच बीच ये लाल से लिखा हूँ, तो एग्जाम में ऐसा नहीं करिएगा आप लोग, यहाँ पर काला कलर का पेन यूज कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर लाल यूज मत कीजिएगा, नहीं मार्क्स कट जाएंगे। ओके, आगे देखिए, इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। अभी इतने तक का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है ना, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसे आप लोग यहाँ तक का पूरा स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। अब आगे चलिए चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे कैसे लिखना है, ये अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त थे और पत्नी की डांट के कारण ही इनको वैराग्य धारण किया इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने वैराग्य धारण किया। काशी जाकर इन्होंने वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अत्यधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। अब इतने तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब देखिए, रचनाएं में आप लोग लिख दीजिएगा रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि, ठीक है ना। रचनाएं तो बहुत हैं, तो पूरा लिखना जरूरी नहीं है, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोगों का जीवन परिचय खत्म होता है। बस इतना ही एग्जाम में आपको लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो, ये पूरा एक पेज भर चुका है, ठीक है ना, यहाँ पर फुल एक पेज हो चुका है और इतना ही लिखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने हैं, जितने मार्क्स निर्धारित हैं केवल मार्क्स उतने ही मिलेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ना ही अगर आप कम लिखेंगे तो कम लिखने से आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इतना लिखेंगे तो आपके मार्क्स एक भी नहीं कटेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आपको भी ज़्यादा फायदा मिले, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।